अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिश शाहिद और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि पानी का बिजनेस, जो लोग पानी का बिजनेस करते हैं, जो 19 लीटर की बोतल सेल करते हैं और 13 लीटर का कैन सेल करते हैं, उनके लिए हमेशा ये परेशानी होती है कि वो बोतल का स्टॉक नहीं मैनेज कर पाते हैं या उनको ये नहीं पता चल रहा होता किन से कितनी पेमेंट आ चुकी है, रिकवरी कितनी हो चुकी है, कितनी हमें पेमेंट लेनी है। तो आज हमारे सॉफ्टवेयर में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। इसमें आप तमाम अपना अकाउंट्स, कस्टमर का डेटाबेस और स्टॉक, अपना पानी के बॉटल्स का सब मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे हैं हमारे लॉगिन स्क्रीन पर, यहाँ पे आप अपना यूज़र क्रिएट कर सकते हैं और परमिशन भी दे सकते हैं अपने यूज़र्स को। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यह आ गया हमारा मेन मेन्यू। सबसे पहले हम आते हैं न्यू कस्टमर्स में। एक तो आपके रिटेल कस्टमर होते हैं, एक आपके रेजिडेंस वाले कस्टमर होते हैं, ठीक है। आपने कैटेगरीज बना दी रेजिडेंस में, फॉर एग्जांपल मिसेस साइमा एक कस्टमर है आपकी, कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, उनका रीजन आप डाल सकते हैं किस रीजन में, किस इलाके में, ठीक है। क्रेडिट लिमिट अगर आप लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, इसको मैंने कर दिया सेव। इसी तरीके से क्रेडिट कस्टमर जो बाहर दुकानदार होते हैं उनका आप डेटा बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया इमरान ट्रेडिंग को, इनको आपकी पानी की बॉटल सप्लाई होती है कराची में किस एरिया में, आप डाल सकते हैं, समझ लें ये DHA में है, बाकी इनका पूरा डेटा आप डाल सकते हैं। सारे कस्टमर आप अपने ऐड कर सकते हैं, रेजिडेंस के अलग ऐड कर सकते हैं और क्रेडिट वाले अलग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐड न्यू आइटम्स। अब आपके पास हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रॉ मटेरियल में, एसेट्स में आके हमने यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी बना दी है वाटर की, और वाटर के अंदर हमने दो आइटम ऐड कर दिए 19 लीटर और एक हमने ऐड कर दिया 13 लीटर। इसी तरीके से हमने कर दिया फॉर एग्जांपल 6 लीटर कैन, ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। इसके प्राइस अगर आप फिक्स करना चाहें तो यहाँ पे आप प्राइस फिक्स कर सकते हैं कि समझ लें कि जो सेलिंग प्राइस है वो है 50 रुपीज, ठीक है, यहाँ पर आपने प्राइस फिक्स कर दिया। इसी तरह 19 लीटर के भी प्राइस हमने फिक्स कर दिए हैं 110 रुपये और 13 लीटर के भी हमने प्राइस फिक्स कर दिए। तीन आइटम हमने ऐड कर दिए, इसमें जितने आपके आइटम बढ़ते जाएंगे वो आप ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेल बिल में। अभी आप आइटम किसको सेल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम सेलेक्ट किया, मिसेस साइमा को मैं सेल कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं क्या सेल कर रहा हूँ, 19 लीटर की बॉटल जा रही है, कितनी क्वान्टिटी जा रही है, दो बॉटल चली गई, 110 रुपये का एक टोटल बिल बन गया इनका। अगर कोई पेमेंट आई हुई है एडवांस तो आप एडवांस रिसीव कर लेंगे, मतलब ये 220 रुपये मिसेस साइमा के खाते में लेजर में चले जाएंगे। इसको मैं प्रिंट करूँगा तो ये आपकी सेल इनवॉइस भी प्रिंट हो जाएगी, ऊपर आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा और ये पूरी एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। अब मुझे टोटल हमारी आउटस्टैंडिंग लिस्ट चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल मार्केट में कितनी पेमेंट आनी है मुझे। मैं आ गया रिपोर्ट्स में कस्टमर बैलेंसेस, इसको मैंने डिस्प्ले किया। अब आप देख सकते हैं ये मिसेस साइमा का अकाउंट आ गया। अभी मुझे बता रहा है सॉफ्टवेयर 220 रुपये हमें लेने हैं, कोई पेमेंट अभी तक आई नहीं है, 220 रुपये हमारे पास बैलेंस मौजूद है। अब पेमेंट रिसीव करने का तरीका है, यहाँ पे आप रिसीव कर सकते हैं कैश और बैंक। अब कैश में पेमेंट आ रही है, मैंने यहाँ पे कैश कर दिया, कैश इन हैंड में पेमेंट आ रही है। किससे आ रही है, मैंने बता दिया मिसेस साइमा से आ रही है, मैंने यहाँ पे नरेशन लिख दी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये दे दिए इन्होंने मुझे, मैंने इसको कर दिया सेव। अब जब मैं हिस्ट्री में जाऊंगा कस्टमर बैलेंस इसकी, तो ये आपको बता रहा है सिस्टम 220 रुपये का बैलेंस था, 100 रुपये आ चुके हैं, 120 रुपये मुझे मजीद लेने हैं। इस तरीके से टोटल आपके पास जितने भी कस्टमर होंगे उनके आउटस्टैंडिंग आपको मिल जाएंगे। आप डेट वाइज निकालना चाहें आप डेट वाइज भी निकाल सकते हैं, अगर आप इलाके वाइज रीजन वाइज फिल्टर करना चाहते हैं तो आप रीजन वाइज उसको फिल्टर भी कर सकते हैं, डेट वाइज रीजन वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें आप अपने कस्टमर के बैलेंसेस मैनेज कर सकते हैं, टोटल डेली सेल्स की रिपोर्ट आ जाएगी कि आज के दिन में आपने क्या क्या सेल किया। आप देख सकते हैं आप 220 रुपये मेरे पास इस वक्त सेल भी है। पीरियड वाइज मुझे सेल चाहिए, पीरियड वाइज सेल आ जाएगी, मुझे रीजन वाइज सेल चाहिए तो रीजन वाइज भी सेल आ जाएगी। मुझे इस तरह मुझे देखना है या सिर्फ जो रेजिडेंस कस्टमर है उनके मुझे आउटस्टैंडिंग पता चल जाए, या सिर्फ मेरे दुकान वाले उनके आउटस्टैंडिंग पता चल जाए, तो आपको वो लिस्ट भी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो भी पानी का बिजनेस करता है उसके लिए बहुत ही सुइटेबल सॉफ्टवेयर है और उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं
वो हम आपको प्रॉपर जब आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको उस पर मजीद गाइड करेंगे और आपसे हम डेमो भी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।